सबसे अच्छी बात ये रही कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी पूरी 4-5 बार पलटी खा गई और घिसटती हुई गई न जाने कितनी दूरी तक। उसके बाद भी जो भी गाड़ी चला रहा था उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। खैर ऐसी बात नहीं है यार, ऊपर वाला साथ भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यही सबसे अच्छी बात है कि किसी के भी चोट नहीं आई, कुछ भी नहीं, जरा सी भी नहीं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कोई एक्सपेरिमेंट वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि हमारे जो गुरु हैं, जिन्हें हम अपना उस्ताद मानते हैं, मिस्टर इंडियन हैकर, उनकी टीम का एक्सीडेंट हो गया है। गाइस आई थिंक हो रही गाड़ी, ओ भाई शिट, माय गॉड। वही टीम दोस्तों जिस टीम ने मिस्टर इंडियन हैकर को, हमारे दिलराज भाई को, एक नई स्कॉर्पियो गिफ्ट की थी, वही ब्लैक घोड़ा। उसी ब्लैक घोड़े से उनकी टीम का एक्सीडेंट हो गया है कि टीम को कोई भी ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन वो ब्लैक घोड़ा था, ब्लैक स्कॉर्पियो, वो पूरी तरह से तहस महस हो चुकी है, पूरी तरह से टूट गई है। पर मैं देख रहा हूँ कि एक महीने से मिस्टर इंडियन हैकर जी पर बहुत सारी मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। बता दूँ कि जो हमारे दिलराज भाई हैं वो काफ़ी बहुत ही बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट वीडियो लाते हैं हमारे लिए, और फनी वीडियो भी लाते हैं। मतलब उन्हीं की वीडियो को देख देख कर, उन्हीं के एक्सपेरिमेंटों को देख देख कर हमने भी यूट्यूब पर बनाना शुरू किया, और आज हमको काफ़ी दुख हो रहा है कि उनकी टीम का एक्सीडेंट हो गया है, और एक महीने से, पूरा एक महीना हो गया उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। मुझे भी बहुत बुरा लगा दोस्तों, ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रिया करता हूँ कि उनकी टीम को कोई भी चोट नहीं आई है, पूरी टीम सेफ है। लेकिन दोस्तों उनकी टीम 12 लोगों की टीम थी पूरी, और आज उसमें से 2 बंदे कम हो गए हैं, 2 बंदे उनकी टीम से निकल गए हैं। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए भी अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और दोस्तों उन्होंने बताया था एक वीडियो में कि उनके जो दोस्त हैं जो टीम से निकले हैं, वो किसी पर्सनल इशू, अपनी जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से गए हैं। दोस्तों जो हमारे दिलराज भाई हैं उन पर एक महीने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसीलिए वो इस सारी वीडियो, अपने स्टूडियो, अपने सब कुछ राजस्थान को छोड़कर वो कहीं बाहर चले गए थे घूमने के लिए, बंगाल, जहाँ पर एक फेमस जगह है सुंदरवन, उसे घूमने के लिए गए थे। दोस्तों अगले ही दिन उनको फ़ोन आता है कि उनकी टीम का एक्सीडेंट हो गया है, और उसी टीम का, जिस टीम ने उनको वो ब्लैक स्कॉर्पियो गिफ्ट की थी, उसी स्कॉर्पियो के साथ उस टीम का एक्सीडेंट हो गया है। और दोस्तों यही खबर सुन के वो वहाँ से इमरजेंसी टिकट बुक करके वहाँ से अपने राजस्थान लौट आए। वहाँ आके देखा उन्होंने कि स्कॉर्पियो एकदम पूरी तरह से तहस महस हो चुकी है, पर अच्छी बात तो यह है कि उनकी टीम को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जो बंदे हैं वो सेफ हैं। जिस ब्लैक स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हुआ था वो काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उसके पहिए निकल गए और रोड पर काफ़ी दूर तक 2-4 पलटे खाते हुए खाई में जाके गिर गई। दोस्तों हमारे दिलराज भाई का एक महीने पहले और एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें नंगे पैर, बिना कपड़ों के, पट्टी बंधी हुई शरीर पर रोड पर इधर उधर घूम रहे थे, वो अपने दोस्तों को देख रहे थे, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी टीम को अपनी टीम की तरह नहीं, अपने दोस्तों की तरह, अपने भाइयों की तरह समझते हैं, इसीलिए वो इधर उधर देख रहे थे। लेकिन हैकर ने अभी तक हार नहीं मानी है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं इंसान पर, कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, आपको भी नहीं, मुझको भी नहीं, और किसी को भी नहीं, क्योंकि मुसीबतें सब पर आती हैं। दोस्तों ये देखो कि कितनी अजीब बात है, कितनी दुख की बात है कि मिस्टर इंडियन हैकर जी के चैनल पे एक वीडियो आती है कि ब्लैक स्कॉर्पियो आई है, उनकी टीम ने उनको एक ब्लैक स्कॉर्पियो गिफ्ट की है, उसको देखकर वो काफ़ी खुश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, और उसी ब्लैक स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो गया। अब अगली ही वीडियो उनके चैनल पे आती है कि ब्लैक स्कॉर्पियो नहीं रही,
मुसीबतें तो आती रहती है यार, जाती रहती है। मैं हंस के आपके सामने वीडियोस बनाता हूँ, आप भी अपनी लाइफ को हंस के गुजारिए और जल्द आएंगे यार, हम जल्द लौटेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। आने दो मुसीबत है यार, कितनी आएगी। यहाँ भी खून के अंदर टाइटेनियम है। लव यू ऑल।